नमस्कार, सभी का स्वागत इस वीडियो में। आज का या कहें संडे का पहला वीडियो, आज का वीडियो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आए हुए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। उसके विषय में होगी आपसे बातचीत, फॉर्म की फीस, फॉर्म भरना कैसे है, कितनी सीटें हैं, किस विभाग में और क्या क्या ज़रूरी निर्देशों का आपको पालन करना होगा फॉर्म को भरते वक्त में, और क्या नहीं करना है आपको फॉर्म भरते वक्त में। और यदि आप फिर भी वैसी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, पैसे भी खराब हो जाएंगे और आप एंट्रेंस भी नहीं दे पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में। उसकी सबकी मैं बात करूँगा और साथ ही साथ किस कैटेगरी के किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले और किस प्रकार की फेलोशिप प्राप्त स्टूडेंट या टीचर्स को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट मिलेगी, उसकी भी बात करूंगा और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के विषय में भी कुछ आपसे करूंगा बातचीत। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जिसे हम पूर्वोत्तर के राज्य बोलते हैं, उन्हीं राज्यों में से एक राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा, उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट है और इस वीडियो की पहली महत्वपूर्ण सूचना 26 मार्च 2021। जी हाँ, सही सुना आपने, 26 मार्च 2021 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, रात्रि 12 बजे तक। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, 26 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे तक है। और अब आप सुन लीजिए, लगभग इसमें 18 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीटें, 18 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीटें, जिसमें से 36 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीटें। साइंस फैकल्टी में 18 सब्जेक्ट में सीटें आई हैं और आर्ट्स एंड कॉमर्स, जिसे आर्ट्स को ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, आर्ट्स एंड कॉमर्स और सोशल साइंस को मिलाकर 18 सब्जेक्ट हैं और साइंस को मिलाकर 18 सब्जेक्ट हैं। टोटल इसमें 36 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीटें, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको सीटें बता देता हूं, किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं, उसके बाद फॉर्म, रूल्स, फीस और एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर भी आपसे बात करूंगा, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और साथ साथ इंटरव्यू और वॉइस वाइवा की भी आपसे बातचीत करूंगा। वीडियो लंबा होगा। अब आते हैं मेन वीडियो के पर्पस पे, जिसके लिए आपको देखना होगा लास्ट तक। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 7 सीटें हैं, केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग में 2 सीट, केमिस्ट्री में 5 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 सीट, इलेक्ट्रॉनिक में 1 सीट, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 सीट, और उसके बाद है फॉरेस्टिक बायो डाइवर्सिटी में 3 सीटें हैं, उसके बाद है आपका ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी में 6 सीटें हैं ह्यूमन, और उसके बाद है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 सीटें हैं, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं, मैथमेटिक्स में 8 और माइक्रो बायोलॉजी में 9 सीटें हैं, बायो इंफॉर्मेशन में 1 सीट है, फिजिक्स में 4, स्टैटिक्स में 1 और जियोलॉजी में 4 सीटें हैं। 18 सब्जेक्ट थे ये साइंस के, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं आपको बताई हैं। यदि सुनने में और समझने में दिक्कत हुई हो, वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, स्लो करके देख लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो को देखने से अच्छा है वीडियो को सुनिएगा। जब आप चीज़ों को आंखों से देखना के बजाय कानों से देखना शुरू करेंगे तो कभी भी चूकेंगे नहीं किसी भी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए आंखों से सुनना शुरू कर दीजिए और कानों से देखना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन बदल जाएगा। अब आते हैं कॉमर्स, जिसे बोलते हैं, और दूसरा व्यापार यानी कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, इसकी सीटों की संख्या, डिपार्टमेंट है 18, सीटें हैं, लैंग्वेज है पहली बंगाली। आप कहेंगे त्रिपुरा से बंगाली का संबंध है, क्योंकि बंगाल बहुत नज़दीक है, तो बंगाली, अब ये बंगाली भाषा है या बंगाली साहित्य है या बंगाली फिलॉसफी है, इसके लिए आप डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली से कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये सीटें किस डिपार्टमेंट विशेष की हैं। लेकिन टोटल सीटें 3 हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में 7 सीटें, कॉमर्स में 6, इकोनॉमिक्स में 7, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में 1 सीट है, इतिहास में 7, लॉ में 1, लिंग्विस्टिक एंड ट्राइबल लैंग्वेजेस में 4 सीटें हैं, फिलॉसफी में 4, पॉलिटिकल साइंस 10। मैंने बताया था एजुकेशन में 1 है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में 6 सीटें हैं, साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं, रूरल स्टडीज़ यानी कि ग्रामीण अध्ययन जिसे बोलते हैं, अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट के या लेबर लॉ के, ह्यूमन राइट्स के या फिर ट्राइबल स्टडीज़ के, वुमेन स्टडीज़ के, सबल्टन स्टडीज़ के छात्र हैं, तब आप इस रूरल स्टडीज़ नामक डिपार्टमेंट जो सीटें आई हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा विशेष तौर पर ध्यान, संस्कृत डिपार्टमेंट में 3 सीटें हैं, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में 1 सीट है, उसके बाद है सी एस एस ई आई पी, सी एस एस
EIP और इसको शॉर्ट में लिखा गया है ट्राइबल स्टडीज एंड एथिक्स, इसमें दो सीटें हैं, म्यूजिक में एक, इंग्लिश में दो सीटें हैं। यह थे 18 सब्जेक्ट आर्ट्स और कॉमर्स के, यानी कि 36 सब्जेक्ट ये आए हैं। और एक अलग से नोटिफिकेशन में लाइन दी हुई है कि सीटों में किसी प्रकार का इंक्रीज या डिक्रीज विश्व विभाग और विश्वविद्यालय के अपने हाथों में है। अगर दो की हो सकती है वह 10 सीट भी कर सकता है, या हो सकता है जहां 15 सीटें हैं उसको 5 भी कर सकता है। ये पावर, ये शक्ति, ये क्षमता विश्वविद्यालय के विभाग ने अपने अपने हाथों में रखी है। अब चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन पर। यदि आपको याद रखिएगा, ये स्टेट नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो जो सुविधाएँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलती हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, वे सभी सुविधाएँ इसमें मिलेगी कि, लेकिन दो चीज़ों को छोड़कर। कौन सी वह दो चीज़ें, मैं आपको आगे बताऊँगा। यदि आपने मास्टर्स में 55% हासिल किए हैं अपने अंक, या आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है एमए का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि रिजल्ट आ चुका है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके 55% अंक हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर नहीं, ओनली फॉर विदाउट क्रीमी लेयर के, तब आप 55% भर सकते हैं। लेकिन ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और इन सभी कैंडिडेट्स को रखे गए हैं परसेंटेज 50% के आधार पे। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा था कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सुविधाएं मिलती हैं दो चीज़ों को छोड़कर, उसमें से पहली चीज़ है यदि आपने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है या एमफिल कर रहे हैं, एमफिल कर चुके हैं या कर रहे हैं और आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। फिर से सुन लीजिए, यदि आपने त्रिपुरा से एमफिल कर चुके हैं या कर रहे हैं या कोर्स वर्क कंप्लीट है, तब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। और ये एमफिल वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन की छूट केवल और केवल त्रिपुरा यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ही दी गई है। यदि आप त्रिपुरा के बाहर मेघालय है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, जेएनयू है, जामिया है, यानी कि कोई भी अदर यूनिवर्सिटी से अगर एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, तब आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट नहीं दी जाएगी। फिर से सुन लीजिए, यदि आपने त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के अलावा किसी अन्य सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, डीम यूनिवर्सिटी से एमफिल कर चुके हैं या कर रहे हैं, तब आपको त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट नहीं दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यदि आप, और ये सुविधाएँ सबको मिलेगी जो मैं अब बताने वाला हूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से उन लोगों को भी छूट दी गई है जिनका नेट या जेआरएफ पास है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल से हो। जिस किसी के पास सेट पास है स्टेट का, या स्लेट है, या गैट है, या फिर आप टीचर्स हैं, टीचर्स फेलो हैं, तो उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। और फिर मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू कितने कितने अंकों का है और कितने परसेंटेज पर क्वालिफाई होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, लेकिन 200 नंबरों का होगा आपका टोटल एंट्रेंस और इंटरव्यू मिलाकर, प्लस वॉइस वाइवा और प्लस सिनॉप्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा हूं, उसकी बात मैं थोड़ा आगे करूंगा आपसे, थोड़ा आगे चलते हैं। फीस पेमेंट की सारा कामकाज, फॉर्म भरने का सारा कामकाज ऑनलाइन माध्यम से है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का भी कोई भी फोटोकॉपी, कोई भी प्रिंटआउट, कोई भी डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नहीं भेजना है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल या मेल या मैसेज, जो कोई भी सूचनाएं मिलती हैं जिस किसी भी माध्यम से, सूचना तंत्र के माध्यम से, तब आपको अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और फीस स्लिप जो आपने भरी थी एंट्रेंस, उसके सबके डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने होंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वालिफाई होने के बाद, इंटरव्यू के वक्त में। लेकिन इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे तो विदाउट सिनॉप्सिस मत जाइएगा, सिनॉप्सिस नहीं है तो मत जाइएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको छूट मिल जाएगी। और पीएचडी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, स्टेट हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल हो, डीम्ड हो, बिना सिनॉप्सिस के आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी जुगाड़ हुई तब भी ना आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी में मैंडेटरी होता है सिनॉप्सिस, जिसे बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल, जिसे बोलते हैं आपका संभावित शोध पत्र या परिपत्र। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या और कैसे बनाना है नहीं पता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, आपको मैं पैटर्न कुछ पॉइंट मैं आपको ईमेल के माध्यम से बता दूंगा। आप उसको उस आधार पर अपना सिनॉप्सिस डिजाइन कर लीजिएगा, चाहे आर्ट्स के हों, साइंस के हों, सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटी के हों, लॉ के हों या एजुकेशन के हों। चलते हैं अगली चीज़ों पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 200 नंबर का होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, लेकिन नहीं होगी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन
यदि आपने 50% अंक प्राप्त नहीं किए प्रवेश परीक्षा में, तब आपको इंटरव्यू के लिए ना ही कॉल आएगा, ना ही मेल आएगा, ना ही मैसेज आएगा, ना ही कोई व्हाट्सअप वीडियो कॉल आएगा। यानी कि 50% अंक लाना आपके लिए मैंडेटरी है। और एक चीज़ और सुन लीजिए, सभी पेपरों के लैंग्वेज यानी कि माध्यम अंग्रेजी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा लैंग्वेज को छोड़कर। क्योंकि अगर संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत में होगा, बंगाली है तो बंगाली में होगा। तो लैंग्वेज विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों के एंट्रेंस की माध्यम, इंटरव्यू का माध्यम, सिनॉप्सिस की भाषा अंग्रेजी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन और ज़्यादा जानकारी पुख्ता करने के लिए जिस विभाग में करेंगे अप्लाई, उस विभाग यानी कि डिपार्टमेंट में कॉल करके, ईमेल करके अपने दोस्तों, कलीग, टीचर, फैकल्टी ऑफ डीन, फैकल्टी ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार, एग्जामिनर कंट्रोलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर सबसे कन्फर्म कर लीजिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य में लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है। एनआरसी का जो मुद्दा गरमाया है 1971 से 2020 में, आपने उसकी छोटा सा ट्रेलर भर देखा, तो उस वजह से भी राजनीतिक माहौल बहुत गंभीर है। तो इसीलिए भाषा के सवाल को लेकर जो नागा मूवमेंट चल रहा है, आप उससे ही परिचित पेपर में पढ़ रहे होंगे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन पर, फिर भी आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर। 50% पास करने वाले स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन अधूरी चीज है ये, पूरा सुन लीजिए। 50% एंट्रेंस, 50% इंटरव्यू, दोनों मिला के होते हैं 100%। यदि 200 नंबरों में से आपके 100 या उससे अधिक अंक आते हैं, तब आपका लिस्ट में नाम आएगा मेरिट के लिए। सिलेक्शन में नहीं आएगा, मेरिट की लिस्ट बनेगी कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस में, मान लीजिए किसी का 60 आया है, 70 आया है, 80 आया है, 90-95 आया है, उनकी एक लिस्ट बनेगी। फिर उन्हीं बच्चों ने एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू में कितना अंक पाया है, उनकी कंबाइन लिस्ट बनेगी। तो उन्हीं बच्चों की जो कंबाइन लिस्ट, मान लीजिए कि 1000 बच्चों ने अप्लीकेशन फॉर्म भरा है, 1000 में से 400 बच्चे हैं जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके आगे गए हैं और 600 नहीं कर पाते, 600 बच्चे तो छट गए, बचे 400 बच्चे, उन 400 बच्चों का फिर होगा इंटरव्यू। अब देखे जाएंगे कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं और एंट्रेंस में सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं। तो उन 400 बच्चों में से जो टॉप के सब्जेक्ट के बच्चे होंगे, जितनी जितनी सीटें हैं, मान लीजिए किसी में 10 सीटें हैं, किसी में 15 सीटें हैं, तो मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 25 एप्लीकेशन आई हैं लेकिन 15 ही सीटें हैं, ठीक है। तो फिर 25 में से यदि 20 बच्चों ने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो मेरिट जो लिस्ट बनेगी वह उन 20 बच्चों की बनेगी उन 15 सीटों के चयन के लिए। यानी कि उन 20 में से भी 15 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा जिसमें आपका नाम हो सकता है, यदि आप थोड़ी सी सिनॉप्सिस और सबसे ज्यादा एंट्रेंस पर मेहनत कर लेंगे। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, एग्जामिनेशन पैटर्न पर हम आ चुके हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न को आप समझ लीजिए। क्योंकि मेरे वीडियो केवल फॉर्म भरवाने के लिए नहीं होते हैं कि पीडीएफ फाइल पढ़ी, आपको बता दी, वेबसाइट पर जो सूचनाएं दे दी, नहीं, मेरा काम ये भी है और मैं इसको अपना कर्तव्य ही समझता हूँ। आपको चाहे बकवास लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, या आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब फ़र्क पड़ेगा तो अपने में सुधार भी कर लूँगा, क्योंकि मेरे माध्यम से ही सही 100 में से 1% बच्चे का यदि एडमिशन भी होता है, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है कि यूनिवर्सिटी के विषय में, एग्ज़ाम के विषय में, पैटर्न के विषय में आपको जो भी जानकारी मुझे मिलती है उसके विषय में करवाऊँ अवगत, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि आप फंस जाते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, आपको पता लगता है यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, जिस उद्देश्य से पीएचडी करने थे वह नहीं मिली है, वहाँ की भाषा आपको आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है, वहाँ आपको बुक्स नहीं है, वहाँ ट्रैवलिंग नहीं है, वहाँ कल्चर वैसा नहीं है, वहाँ की वैसी फैकल्टीज नहीं है। आते हैं पुनः एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर। 50 आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे एमसीक्यू माध्यम के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि 100 नंबर का आपका एंट्रेंस हो गया, 50% वाला क्वालिफाई है, यानी कि मान के चलिए। और एक चीज़ मैंने अभी छोड़ दी है, कैटेगरी वाले बच्चों को क्या छूट मिलेगी मैं इसके बाद बताऊंगा। आपको 50 में से 25 क्वेश्चन कम से कम ठीक करने ही होंगे, ही शब्द है, मैंडेटरी है, इसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब अगली चीज़, क्या एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीएच मेरिट गर्ल्स को कोई छूट दी गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। चाहे आप जर्नल हों या विदाउट कैटेगरी हों, विद कैटेगरी हों, मैरिड हों, अनमैरिड हों, हैंडीकैप हों, ईडब्ल्यूएस हों, ओबीसी हों, नॉन क्रीमी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 50% अंक लाना सभी के लिए रखा गया है, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से सभी बच्चे। और ध्यान चलते हैं, जैसे कि मैंने याद रखिएगा 26 मार्च इसकी डेट है, और 26 मार्च से पहले आती है 23 मार्च।
चलते हैं इतिहास में, चलते हैं 1931 में, याद आएगा 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का वह शहीदी दिवस था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 30 मार्च की रात्रि में दे दी गई थी बेधड़क और बेशर्म तरीके से फांसी। तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 23 मार्च लास्ट डेट नहीं है बल्कि 26 मार्च लास्ट डेट है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कंटिन्यू कॉल आ रहा है फोन पे, इसलिए फोन को बार बार टच भी करना पड़ रहा है। 26 मार्च रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट है, टाइम दिया हुआ है मिडनाइट का मतलब आप किस टाइमिंग से निकालेंगे ये आपको तय करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, यदि कोई कैंडिडेट अपने फॉर्म को भरते वक्त अपना या फीस जमा करने के बाद, सब कुछ जमा करने के बाद अपना पासवर्ड भूल जाता है, तब आपको दो चांस मिलेंगे, केवल अपने को दो ही चांस मिलेंगे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट या फॉरगेट कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि कोई बच्चा कैंडिडेट फॉर्म भरने के बाद, फीस जमा करने के बाद अपना पासवर्ड भूल जाता है तो आपको दो ही बार मौका मिलेगा अपने पासवर्ड को रीसेट या फॉरगेट करने का। रीसेट और फॉरगेट पासवर्ड का अलग अलग लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन यूज़ आप उसको दो ही बार कर पाएंगे। अब ये आपको तय करना है, वह दो बार का प्रयोग आप एक ही दिन में करना चाहते हैं, एक हफ्ते में करना चाहते हैं, या बिल्कुल नहीं करना, लेकिन मौके आपको दो ही मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, जो भी बच्चे एससी एसटी ओबीसी फिजिकल ईडब्ल्यूएस क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, वह सभी अपने कैटेगरी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी फॉर्म के साथ कंपलसरी रूप से अटैच करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिस कॉपी को अटैच करेंगे वह आपके द्वारा सेल्फ क्या बोलते हैं उसको, हस्ताक्षर यानी कि सेल्फ आपको अटेस्ट भी करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जो फोटो लगाएंगे उस पर साइन मत कीजिएगा, जो फोटो लगाएंगे फॉर्म में उस पर किसी प्रकार का साइन मत कीजिएगा। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के व्यक्ति विशेष अप्लाई करते हैं तो वह अपना डोमिसाइल ज़रूर लगाइएगा, मैंडेटरी रूप से लगाइएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अपने जब आप फॉर्म को भरेंगे एकेडमिक रिकॉर्ड में, खासकर नंबर और परसेंटेज को लेकर, उसमें ये क्लियर कट मेंशन कर दीजिएगा, स्पष्ट रूप से कर दीजिएगा कि आपका पढ़ाई लिखाई सेमेस्टर माध्यम से है या एनुअल माध्यम से है, आपको डिवीज़न प्राप्त हुए हैं या ग्रेड प्राप्त हुआ है, इस बात को क्लियर कट उसमें मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ध्यान से सुने, ₹600 रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। और जो भी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी में दोनों क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स हैं उनको लिए ₹800 की रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। एक बात और समझ लीजिए, इसलिए मैंने कहा ना कि फॉर्म भरना ज़रूरी नहीं है, फॉर्म के साथ साथ क्या ज़रूरी चीज़ें, नहीं तो आप फॉर्म के दो स्टेप भर देंगे फिर आप मुझे कमेंट करेंगे वीडियो में कि सर हमको फॉर्म के थर्ड स्टेप पे ये दिक्कत आई, हम क्या करें, फिर आप वीडियो देखेंगे फिर आपका टाइम खराब होगा। इसलिए पहली बार में ही वीडियो को ढंग से देख लीजिए, समझ लीजिए, चीज़ों को नोट करते रहिए, और जब चीज़ों को जिनको आप नोट्स करेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे उन नोट को साथ रखिए, फिर फॉर्म भरेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज़, एक बच्चा केवल एक से अधिक ही फॉर्म भर सकता है, यानी कि दो ही फॉर्म भर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई फॉर्म भरा है और आपकी कोई चीज़ गलत हो गई है, पेमेंट गलत हो गया है, आईडी गलत हो गई है, सब्जेक्ट गलत हो गई, आपको लगता है कि आपको एक से अधिक विषय में अप्लाई करना है, तो एक कैंडिडेट दो ही फॉर्म भर सकता है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी कि फीस सबमिशन के बाद की जो फाइनल कॉपी होती है उसको ज़रूर रखिएगा प्रिंटआउट के रूप में, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको फॉर्म की कॉपी मांगी जाएगी इंटरव्यू के दौरान, और वही कॉपी मांगी जाएगी जिसमें फीस जमा करने की होगी आपके पास में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एडमिट कार्ड और एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ साथ होना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर के दिन। एग्जाम कहाँ होगा, कब होगा, इसकी सूचना अभी नहीं आई है, इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही मिलेगी आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने के बाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट को मत भूल जाइएगा, हाथ जोड़ता हूं। आप ये उम्मीद करते हैं कि हर सूचना कोई आपका दोस्त, कोई यूट्यूबर, कोई ईमेल आएगा तभी आप अप्लाई करेंगे, ऐसा मत करिएगा। ना ही त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे आपने रिसर्च के लिए अप्लाई किया है या जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये आपका दायित्व बनता है, सरकारें नहीं करेंगी, व्यवस्थाएं नहीं करेंगी, नागरिकों को अपने कर्तव्य को उठाना पड़ेगा, कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, अधिकार आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि कर्तव्यों के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए
फॉर्म भरने के बाद, फीस जमा करने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट के प्रिंट निकालने के बाद, एडमिट कार्ड के आने से पहले की जो बीच का समय है, इसमें अपनी एंट्रेंस की, रिसर्च प्रपोजल की अच्छे से तैयारी करिए। और मैं यही कहूँगा कि एक वीक में 2 से 3 बार विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहिए। आपने चाहे किसी भी विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा है जॉब के लिए या इंटरव्यू के लिए या फिर एडमिशन के लिए, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। फिर से मैं कर दूँ वीडियो समाप्त करने से पहले, 26 मार्च रात्रि इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को जमा करने की। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में जो फॉर्म आए हैं, साइंस फैकल्टी में 18 सब्जेक्ट, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 18 सब्जेक्ट, टोटल 36 सब्जेक्ट, सीटें कितनी है मालूम नहीं है, लेकिन उसी सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा जिसमें सीटें आई हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं, करते हैं, मानते हैं कि हो सकता है बाय मिस्टेक प्रोस्पेक्टर में सीट की घोषणा नहीं की गई, अप्लाई कर देते हैं। जिस सब्जेक्ट में सीटें आई हैं, मैं प्रोस्पेक्टर का जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं नीचे आपको दे दूंगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 2 मिनट में और लूँगा आपको, आप फॉर्म भरेंगे कैसे, लिंक आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी उलझी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाएंगे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर, मेन वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, और लिंक देने के बाद उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक आपको ब्लू एंड रेड कलर का लिंक मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन का, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 लिंक आएंगे, एक लिंक आएगा फाइनेंशियल एंड टेक्सटाइल और दूसरा आएगा PhD एडमिशन का। याद रखिएगा, पहला आएगा फाइनेंशियल एंड टेक्सटाइल, दूसरा आएगा PhD एडमिशन का। आपको क्लिक करना है PhD एडमिशन पर, उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी और उसके अंदर ऊपर आपसे मांगा जाएगा email ID, पासवर्ड और कैप्चा। उसको आपको यूज नहीं करना है, आपको उसी तीसरी विंडो के नीचे जाना है, वहां 3 नीचे लिंक बने होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और फॉरगेट पासवर्ड के लिए और फॉरगेट यूजर नेम के लिए, यानी कि कोई स्टूडेंट यदि अपना पासवर्ड भूल जाता है तो कैसे रीसेट करना है, उसका अलग लिंक दिया गया है। यदि कोई यूजर अपना यूजर नेम भूल जाता है उसके लिए अलग लिंक दिया गया है। यदि कोई अप्लाई कर चुका है और अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, बदलाव करना है, तब उन बच्चों को जो ऊपर दिया हुआ है ना email ID पासवर्ड, उसका यूज़ करना है। याद रखिएगा, सभी के मैं अलग अलग लिंक, वेबसाइट का लिंक देने का पूरा प्रयास करूँगा विराप्त होने पर। और सभी सूचनाओं को आपने ध्यान से देखा और सुना, जो कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। गलत भरने से अच्छा है थोड़ा रुक के समझ के। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, कहीं के लिए भी आपने अप्लाई किया है, चाहे MPhil हो या PhD हो या टीचर्स के लिए हो, कम से कम उस जॉब के लिए, उस डिग्री के लिए वहाँ का अध्यादेश वहाँ का ऑर्डिनेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हर विश्वविद्यालय का अपना अपना ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस में जानकारी यह होती है कि आपका सुपरवाइज़र कैसे प्राप्त होगा, आपका टॉपिक कैसे डिसाइड होगा, आपको फेलोशिप कितनी कितनी कब कब और किस अंतराल पे मिलेगी, आप PhD कितने कम से कम समय में, कितने ज़्यादा से ज़्यादा समय में सबमिट कर सकते हैं, आप टॉपिक में कुछ बदलाव चाहते हैं, गाइड में बदलाव चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में कितना फंडिंग आता है आपके लिए, इन सभी की जानकारी PhD ऑर्डिनेंस में होती है। हर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर होती है, हर विश्वविद्यालय का अलग अलग ऑर्डिनेंस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन अध्यादेश को पढ़े बिना यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं आएंगी PhD में। अंतिम 3 वर्षों में बहुत विकट समस्याएं आती हैं और आपको हो सकता है इनके अभाव में पता लगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की मान्यता ही नहीं है, आपके सब्जेक्ट की मान्यता ही नहीं है, जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं वह टॉपिक ही इनवैलिड है, वह टॉपिक प्लेगरिज्म में फंस चुका है। इसीलिए इन सब चीज़ों को जानने समझने से पूर्व ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिए, अध्यादेश को पढ़ लीजिए। और जो भी इस वीडियो को ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो PhD कर रहे हैं, वह ऑर्डिनेंस जरूर अपने पास रखिए, जिस भी विश्वविद्यालय से वे पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, चाहे रिसर्चर हैं, चाहे टीचर्स हैं, चाहे स्कॉलर हैं, चाहे फेलो हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपने दिए अपने 20 से 23 मिनट, तो आपको मेरा सलाम है और शुक्रिया है। अगले वीडियो में किसी और सूचना के साथ बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। ये पीछे का जो कल सेटअप बनाया है इसी में लगा रहा हूं 2 से 3 दिनों में। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के समस्याएं के लिए सवाल आते हैं, सर थोड़ा बैकग्राउंड ठीक नहीं है आपका, तो मुझे लगा कमेंट पर कि लोग पीछे का बैकग्राउंड देखते हैं या नॉलेज को सुनते हैं या मुझे देखते हैं, मुझे नहीं पता है, ये आपके लिए लगाया है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है बैकग्राउंड से। मेरा काम है जो कंटेंट मेरे पास आया है उसको अपने शब्दों में, सरल भाषा में आपको दे सकूं और आप उससे कुछ सीख सकें, और आपसे मैं कितना सीख सकता हूं, इसीलिए ये चैनल बनाया गया है। ऐसे वीडियो आपको मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है आप करिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।